खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर बार एसोसिएशन बीकापुर के अधिवक्ताओं ने अपने मांगों के समर्थन में अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय टोकन हड़ताल करके 6 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार राजेश कुमार वर्मा को सौंपा है। बार अध्यक्ष राम सरीवन पांडे ने बताया कि मांग पत्र में प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त बीमा कराए जाने अथवा आयुष्मान योजना से जोड़े जाने तथा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान किए जाने, जिले में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर का निर्माण कराए जाने, अधिवक्ता एवं पत्रकारों की मृत्यु पर एक समान धनराशि दिए जाने, 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40,000 अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू किए जाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने संबंधी मांगे शामिल हैं। मांग पत्र प्राप्त करने के बाद तहसीलदार राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि मांग पत्र को उचित माध्यम से भेजा जाएगा। ये है कि हम लोग भी कुछ मांगे हैं, किसको लाए मुख्यमंत्री जी ने निश्चित कर दिया था, उसी मांगों को लेके हम लोग पुनः लड़ाई लड़ रहे हैं और वो ज्ञापन हम तहसीलदार साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, उसी लिए हम काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज एक दिन का टोकन हड़ताल रखकर कुछ मांगों के सापेक्ष में एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रेषित कर दिया गया है।